हम बात कर रहे हैं ओरिएंट ग्रीन पावर की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो ओरिएंट ग्रीन पावर में छोटे मोटे अपसाइड के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। इससे पहले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि स्टॉक बाउंस बैक के साथ इस हाई को ब्रेकआउट दे सकता है। इस हाई के ब्रेकआउट के बाद 24.50 रुपये और 25 रुपये तक के टारगेट दिखा सकता है। 25 रुपये के लेवल को अगर 25 के लेवल को ब्रेकआउट कर जाता है तो और बड़ी उड़ान और यहाँ लगातार सर्किट भी हिट होते हुए नज़र आ सकते हैं, ऐसा हमने डिस्कस किया था। हम देख सकते हैं 25 लेवल के रुपीज़ के लेवल से स्टॉक ने रिजेक्शन फेस किया, गिरावट आई और सपोर्ट कहाँ लिया है, ऑलमोस्ट 20.50 रुपये के लेवल पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। तो यहाँ से बाउंस बैक दिखा सकता है, जी हाँ, इसके चांस अब भी स्टॉक में बने हुए बाउंस बैक के, रिकवरी के, क्योंकि स्टॉक के अगर ट्रेंड को फॉलो करो, अगर ट्रेंड देखो तो ट्रेंड पॉजिटिव नज़र आ रहा है। यहाँ हायर हाई चार्ट पैटर्न हमको देखने के लिए मिला है, गिरावट के साथ स्टॉक बाउंस बैक दिखा सकता है। नीचे की ओर जब तक इस सपोर्ट के ऊपर है, यानी 19.50 रुपये के ऊपर है जब तक ओरिएंट ग्रीन पावर, तब तक अपसाइड के चांस स्टॉक में बने हुए। तो नीचे की ओर मेजर सपोर्ट रहेगा 19.50 रुपये का लेवल। अब अगर जंप आता है स्टॉक में तो देख सकते हैं पहले कहाँ रिजेक्शन फेस किया था स्टॉक ने, 22.20 रुपये इमीडिएट टारगेट रहेगा। नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा 23 रुपीज़ का लेवल, और इसके ब्रेकआउट के बाद अगेन 24 से लेकर 25 तक का जंप स्टॉक दिखा सकता है। अगर बड़ी गिरावट नहीं आती, इस बार 25 के लेवल से रिजेक्शन नहीं लेता और रिजेक्शन के साथ बड़ी गिरावट नहीं आती तो वैसे कंडीशन में फिर ब्रेकआउट के चांस बनेंगे। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।